कॉलेज में किया गया तालाबंदी व प्राचार्य को बनाया गया बंधक। डिग्री कॉलेज शिवहर में आज छात्र छात्राओं ने आक्रोशित होकर कॉलेज के विधि व्यवस्था एवं पढ़ाई व्यवस्था चौपट होने के कारण अंगीभूत महाविद्यालय के प्राचार्य नंद किशोर सिंह को बंधक बनाते हुए छात्र छात्राओं ने तालाबंदी कर जमकर हंगामा किया। छात्र छात्राओं ने कहा कि इस महाविद्यालय में शिक्षक आते हैं और कब जाते हैं किसी को पता नहीं है, जिसके कारण विद्यालय की सारी व्यवस्था और पढ़ाई चौपट हो रखी है। आप किस काम से कॉलेज में आई? मैं इसके कॉलेज के स्टूडेंट हूं। पढ़ाई होता है कि नहीं? नहीं होती, रात तक कभी नहीं। क्यों ऐसा कंप्लेन किए कि नहीं कि पढ़ाई होता है? तीन चार बार कर चुके हैं लेकिन आज तक कोई प्रभाव नहीं पड़ा है सर। क्या नाम हुआ? करने का क्या कारण? देखिए, तालाबंदी करने का कारण ये है कि लगातार हम लोग 2017 से इस कॉलेज में आ रहे हैं, ठीक है, लेकिन कॉलेज प्रशासन के तरफ से अभी तक कोई ऐसा कदम नहीं उठाया गया है जो कॉलेज हित में हो। लगातार कॉलेज में कमी ही आते जा रहा है, कभी बाउंड्री टूट जाता है तो कभी, यहाँ आप जानते हैं कि कोई भी कॉलेज प्रशासन नहीं है, दो को छोड़कर कोई स्टाफ कर्मचारी नहीं है, ठीक है, और लगातार एडमिशन पे एडमिशन हो रहा है, कभी बंद कर दिया जाता है तो कभी एडमिशन रोक दिया जाता है, कभी पोर्टल पे नाम नहीं आता है तो छात्रवृत्ति नहीं मिलता है, विभिन्न प्रकार की परेशानी है। पढ़ाई की क्या समस्या? पढ़ाई की क्या समस्या? पढ़ाई की बताया कि यहाँ कॉलेज तो प्रशासन नहीं है, कोई कर्मचारी कोई प्रोफेसर ही नहीं है, तो पढ़ाई क्या होगी? इसी सब को लेकर के अब कॉलेज में पढ़ाई नहीं होगी जब तक हम लोग ताला नहीं खोलेंगे और इस कॉलेज को अब आगे, मतलब कि जब भविष्य के साथ नहीं खेलेंगे। कॉलेज डेली खुलता है कि नहीं? डेली नहीं खुलता है कॉलेज। स्थापना दिवस के दिन नहीं खुला गया तो आप क्या मान सकते हैं? इसका कारण क्या हो सकता है नहीं खुलने का? कारण यहाँ के कॉलेज के जो दो प्रभारी जो हैं वो मतलब निष्क्रिय हैं, अच्छे ढंग से काम नहीं कर रहे। फर्स्ट मुलाकात हम लोग की हुई है जो लगभग 2 या 3 महीने पहले उनकी ज्वाइनिंग यहाँ हुई है, लेकिन आज फर्स्ट टाइम मुलाकात है। इससे पहले कभी हुई? कभी नहीं, इसीलिए आज पहली बार मिले हैं। हम लोग बंद कर दिए, जब जाना नहीं है जब तक हमारे मांग पूरा नहीं हो।